अरे फ्रैंकलिन भैया, आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? अरे सिंचन क्या बताए भाई साहब, मैं नवा के पास जा ही नहीं रहा। मतलब इतने बड़े बड़े बाल हो गए ना, ऐसा लग रहा है कि दादी अम्मा बन गया हूँ मैं। गाइजर नीचे कमेंट करके बताओ कि मुझे बाल कटानी चाहिए कि नहीं कटानी चाहिए। अरे मैं तो नहाने घुस गया। अरे वाह, मजा आ गया। मतलब कि आपके बाल तो बूढ़े बुढ़िया जैसे लग गए, मतलब कि बुढ़िया के बाल। अरे चिंतन, मेरे को बुढ़िया के बाल बहुत अच्छा लगता है, खाने को है कौ? अरे मैं तो फ्रैंकलिन भैया की बात कर रहा हूँ, वो बुढ़िया के बाल थोड़ी ना, वो होती अलग ही होती है। दोस्तों आप खाए ना बुढ़िया के बाल? अरे सिंचन और चॉप, वो कॉटन कैंडी होती है। बुढ़िया के बाल जाहिल वाला बात बोलते हो। बुढ़िया के बाल कितना वो अजीब लगता है बोलने में। बुढ़िया के बाल ना बोला करो, ऐसा लगता है कि मेरा बाल के बारे में बोल रहे हो, मेरा बाल खा जाओगे लगता है तुम लोग सब। अरे छोड़िए, आपका बाल टच भी कौन करेगा, एकदम गंदे गंदे संदे बाल है आपके। अरे सिंचन गंदा संदा ना बोल, रोज शैम्पू करता हूँ इसीलिए देख इतना तंदुरुस्ती वाला बाल है मेरा। आजा चल हम लोग और बाहर निकलते हैं। फ्रैंकलिन वा, ओ फ्रैंकलिन वा, बचा लो, इन लोग मार देगा मेरे को। किसको बुला रहा है, कोई नहीं चलेगा, पैसा दे मेरा पैसा दे। ओ जी सुनती हो, पीछे बंद कर ली का मेरे को बाहर से। अबे फ्रैंकलिन वा, पड़ोसी का हक निभाओगे, इधर तो आओ, मदद तो करो। अरे यार कहीं से तो फ्रैंकलिन चिल्लाने का आवाज आ रहा। सिंचन तेरे को भी आ रहा है क्या? अरे हाँ मेरे को भी आ रहा है। अरे ये तो शर्मा अंकल चिल्ला रहे हैं पड़ोसी से। अरे जाके पूछे क्या हो गया, लगता है उनकी टंकी का पानी खत्म हो गया, हमारे स्विमिंग पूल से पानी लेके जाएंगे। अरे यार ये तो मैं होने नहीं दूंगा, स्विमिंग पूल से पानी नहीं लेके जाने दूंगा। वो एक बाल्टी बोल के 10 बाल्टी ले जाते हैं। एक बार तो मालूम है ट्रक लेके आ गए थे टैंक वाला, और सारा पानी खींच के लेके गए थे। मैं नहीं दूंगा। अरे चिंता मत कर मालिक, मैंने कहा गया था उस दिन वो वाले पानी में ना पॉटी कर दिया था, नहाते नहाते पॉटी का भी स्वाद आ ही गया होगा उसे। अरे बच्चो तुम तो महान हो, मतलब कि तुम तो मेरे ही जैसे हो, भाई भाई। हाँ तुम लोग दोनों भाई भाई हो, एक कुत्ता दूसरा भी कुत्ता, पागल दोनों। आजा पता नहीं किस लिए बुला रहे। अरे हाँ चलिए चलिए देखते हैं इस बार क्या मांगेंगे, लगता है शक्कर मांगेंगे। अरे ओए चक्कर उकर भी नहीं है मेरे पास, हम चाय पी करके खत्म कर दिया, हम कुछ ना देने वाले उनको। आ जाओ यार देख के आते, लगते कुछ मुसीबत आया होगा तभी तो याद करते हैं। अच्छाई के वक्त में तो कोई याद ही नहीं करता आज के दिन में, क्या ही बताए। अले अले चिंता क्यों कर लो, मैं याद करूंगा ना, मैंने नीचे पॉटी कर दिया उसे साफ कर दो। तुम तो एक अनोख हो यार, सिंचन कहाँ रह गया? अले सिंचन चौको चिप्स खा रहा है। अबे सिंचन आजा भाई, चौको चिप्स क्यों खा रहा है? अरे सिंचन कहाँ रह गया था? अरे मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर रहा था, हल्का फुल्का चखना मार रहा था। अरे सिंचन ये टाइम नहीं है, आजा। पता नहीं यार हमारे शर्मा अंकल काहे ना चिल्ला रहे थे, आजा जल्दी आजा। देखते क्या हो गया। अरे तेरी के ये क्या चल रहा है? अरे शर्मा अंकल जी क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये दो बॉडीगार्ड मंगा लिए का, इतना पैसा आ गया। और भाई साहब आप तो बिजनेसमैन लग रहे हैं, बताइए क्या काम हो गया? अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को छोड़ के कहाँ गए थे? अरे वाह शर्मा अंकल, ये हाथ ऊपर करके बल्ले बल्ले शावा शावा कर रहे क्या? जो बोलो बल्ले बल्ले, ये तो बोलो शावा शावा, तो बोलो बल्ले बल्ले, ये तो बोलो शावा शावा। वाह सिंचन तू तो पूरा मूड बना दिया। अरे हाँ भाई इस बार गाना में सिंचन का मजा आ गया। अले फ्रैंकलिन वाह, मुझे बचा लो, इन लोग मेरे को मारे लाए हैं, बोलते हैं पैसा निकाल। अब मैं पैसा कैसे निकालूं, बताओ तुम ही बताओ। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? आप हमारे शर्मा अंकल को ऐसे क्यों पकड़े हुए? तुम कौन? बूढ़ी दादी यहाँ पे क्या कर रही हो? बात मत करो मेरे से, इसने मेरा पैसा खाया है। अरे वाह दोस्तों, मतलब कि ये टकली अंकल ने फ्रैंकलिन भैया को बूढ़ी दादी बोली दिया। चुप हो जा सिंचन, यहाँ पे सीरियस बात चल रही है। हम लोग दो बड़े बड़े आदमी, मतलब बड़े तो ये ज्यादा लग रहे हैं, बट बड़े दो बड़े आदमी लोग के बीच में बात हो रहा है, तुम ना बीच में बोलो, हम लोग को बात कर दो। अरे हाँ बोलिए भाई साहब क्या हो गया, इतने पैसा कैसे खाया आपका? अरे भाई साहब एक बात तो बताइए शर्मा अंकल जी, कल के दिन आपने बोला था कि आपका जमीन बिका है तो बहुत सारा पैसा आपको मिला था, तो वही पैसा का बात हो रहा है क्या? हाँ हाँ वही, बहुत सारा पैसा इसके पास आया था। वो पता है वो इसका जमीन नहीं था, मेरा जमीन था, धोखे में बेच दिया। अच्छा बेटा, मतलब कि धोखेबाजी करते हो तुम शर्मा अंकल की, ये उम्मीद नहीं था शर्मा अंकल जी, ये तब गलत काम कर दिया आपने। अले हम कुछ नहीं जानते, हमें कल पैसा मिला, एक आदमी फोन करके बोला आपका जमीन बिक गया, पैसा दे दिया, और कल ही चोरी हो गया पैसा, बताओ मैं क्या करूँ? फ्रैंकलिन वाह तू अगर नहीं बचाया ना तो मैं भी तेरे को भी लदा दूंगा, और तू भी जेल जाएगा मेरे साथ। ओए ओए मैं क्यों लदूंगा, पागल है क्या तू? जाए तेरा पूरा परिवार जाए, तेरा घर जाए, मैं जाऊंगा, पागल है क्या? नहीं, फ्रैंकलिन वाह पड़ोसी का हक होता है, पड़ोसी बोल के मेरा पूरा एकदम अड़ोसी उड़ा दिया एकदम।
अरे वाह, मतलब कि ऐसा पड़ोसी हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। सही बोला सिंचन। सिंचन के लिए ताली और लाइक हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ये वाली बात के लिए। ऐसा पड़ोसी हो तो यार दुश्मनों की क्या जरूरत है। अरे भाई साहब एक काम करते, कॉम्प्रोमाइज करते। देखो भाई साहब पैसे तो नहीं हमारे पास, पैसे के बिना कोई बात करना है तो बोलो, तुम्हारा काम धंधा बोलो हम कर देंगे। अरे हाँ फ्रैंकली भैया से कोई भी काम करा दीजिए, वो लेबर है ना, मतलब कि कुछ भी कर लेंगे। अरे ओए सिंचन चुप हो जा, यहाँ पे हम उसको बचाने के लिए जा रहे, पड़ोसी को तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे हाँ भाई बोलो, तुमको जो काम होगा मैं कर दूंगा, बस तुम मतलब कि काम तो बताओ, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा अगर तुम चाहते हो कि शर्मा अंकल बच जाए, हम लोग दो बॉडीगार्ड हो मेरे से, तो तुमको मेरा बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। अच्छा भाई बताओ बताओ कौन सा जरूरी काम है तेरा, सब जरूरी काम मेरा फुद्दू काम, बताओ जल्दी। तुमको जाना पड़ेगा होरिजन में और वहां जाके रेस करना पड़ेगा और रेस में जीतना पड़ेगा। अरे बाप रे रेस करना पड़ेगा, अरे सिंचन सोच हम लोग रेस करेंगे। अरे मतलब कि टकली अंकल आपने बहुत ही गंदा काम कर दिया, मतलब कि एकदम गंदा काम कर दिया फ्रैंकली भैया को देखे। फ्रैंकली भैया को गाड़ी चलानी आती नहीं है, कहाँ से रेस करेंगे। ए सिंचन आती है गाड़ी चलानी आती है, चुप हो जा चुप चुप। अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेस कर लूंगा, बस यार देखो ना मेरे पास स्पोर्ट्स कार है ना स्पोर्ट्स बाइक है, तो मैं रेस कैसे करूंगा बताओ भाई बताओ। गरीब आदमी है भाई, गरीब है क्या बताए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही महंगी गाड़ी दूंगा, ऑडी वाली गाड़ी दूंगा, एयरपोर्ट में खड़ी है जाके ले लो। अरे भाई साहब ऑडी वाली गाड़ी मिलेगी, इतनी कमाल की बात है भाई। सिंचन आज तो हम लोग का सच्चे बल्ले बल्ले छावा हो गया, जल्दी चल सिंचन जल्दी चल। लेकिन तुम अपने कुत्ते को छोड़ के यहीं जाओगे, पता चला कि तुम मेरी गाड़ी को भी चोरी करके बेच डालो। वाह 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 क्या मुंह की बात छीलनी व्हाइट वाले टकली अंकल, मतलब कि सच में मैं भी यही सोचता था फ्रैंकली मैं यही काम कर देंगे। अरे सिंचन ये काम नहीं करूंगा। अच्छा चौप तू यहीं पर रुको। अरे दोस्तों देखो क्या टाइम आ गया, मेरा मालिक को देखो मुझे गिरवी रख के जा रहा है, गिरवी रख के जा रहा मेरे को, क्या टाइम हो गया। इससे अच्छा तुम्हें कुत्ता ही ना होता, चिल्ले भर पानी में डूब जाता। ते काम करना चौप, बगल में पानी है, चुल्लू नहीं पूरा टब मतलब कि पूरा स्विमिंग पूल में डूब जा। अले ओए फ्रैंकलिन वाह रेस जीतोगे पक्का, अगर नहीं जीतोगे ना तो मैं तेरा घर बेच के इसको पैसा दे दूंगा, जो कि पड़ोसी का तो हक बनता है। एक दिन नहीं मेरे से पक्का मार खाएगा पड़ोसी पड़ोसी। आजा सिंचन चल एयरपोर्ट चलते, देखते कौन सा गाड़ी मिला है हम लोग को। अरे हाँ चलिए चलिए। अरे यार जल्दी से चलते एयरपोर्ट और वहां पे जाके चेक करते भाई कौन सी गाड़ी हमें मिली है। भाई साहब भाई शर्मा अंकल की तो लग गई, बट यार मैं उनका मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसे भी तो मैंने चुराए थे, इसीलिए भाई मदद तो करना बनता ही है। अरे भाई साहब रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे भाई मुंह पे मार के गया। अरे मुंह पे मार खाने वाला काम क्यों ही करते हो, आपके पास गाड़ी है तो सड़क में क्यों सबसे लिफ्ट मांग रही हो। अरे यार सही बात है, मैं अपना गाड़ी से भी तो जा ही सकता हूँ। आ जा सिंचन जल्दी बैठ जा। अरे हाँ बैठ रहो बैठ रहो, चलिए चलिए एयरपोर्ट जल्दी से चलिए। अरे हाँ यार चल रहे भाई चल रहे, इतना तेज है किस बात के, आराम से जाएंगे मजा करके जाएंगे। अरे वहाँ पे शर्मा अंकल की पैंट गीली हो जाएगी, जल्दी चलते है कि नहीं। अरे हाँ यार चल रहे भाई चल रहे। और यार सिंचन हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं भाई, अब चलते हैं अंदर से जल्दी जल्दी हम लोग गाड़ी उठा लेते हैं। वो भाई साहब गेट भी खुल गया, पता नहीं और आज हम लोग को स्पेशल सर्विस मिल रहा है। अरे वो व्हाइट वाले टेकली अंकल की वजह से। अरे हाँ यार सही बोलो। अरे भाई साहब वहाँ पे तो एक प्लेन है, चल यार यहाँ पे जल्दी जाके चेक करते। एंड गाइस यार अंदर एक ऑडी कार है, सिंचन देख कितनी कमाल की कार है, आजा इसमें जल्दी से बैठते। भाई साहब ये वाली कार मिलेगी क्या रेस करने के लिए, सच में मजा ही आ जाएगा। सिंचन देख मैं बाहर निकाल दिया, अब आजा बैठ जा। अरे वाह फ्रैंकली भैया ये वाली गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है। अरे हाँ यार सिंचन देख रहा क्या ही कमाल की है, अब हम लोग को जल्दी जल्दी होरिजा जाना पड़ेगा होरिजा, और भाई वहाँ पे जाके ये वाली गाड़ी के साथ रेस करेंगे। गाइस यार वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को एकदम स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी और वहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ पे हमको रेस चूज करना होगा और रेस में जा करके जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चलो 1 2 3। अरे फ्रैंकली भैया देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए, ये कौन सी जगह है और हाँ ये कैसी जगह है। अरे यार सिंचन ये होरिजन है, और भाई देख रहा यहाँ की ग्राफिक्स कितनी कमाल की है, मतलब यार GTA से भी ज्यादा अच्छी ग्राफिक्स है यहाँ पे, देख रहे हो गाइस सच में बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स है इस गेम की, और हमारी कार तो चली रही है बहुत ही मस्त तरीके से। अरे फ्रैंकली भैया एक बात तो बताइए ये यहाँ पे खेलते कैसे है। अरे यार सिंचन एकदम सिंपल रूल है, मतलब यार यहाँ पे हम लोग एक रेसर है और यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, और यहाँ पे हम लोग को जगह जगह जाकर रेस करना होता है। वो यार वो बॉस है ना जो टकली अंकल वाले भाई, उन्होंने दिया एक जगह जाने के लिए, वहाँ पे जाके हम लोग को रेस करना होगा और यही वाली गाड़ी के साथ रेस करना पड़ेगा। अरे तो हमें पैसे मिलेंगे क्या, ज्यादा कितने मिलेंगे। अरे यार सिंचन बहुत पैसे मिलेंगे, देख यहाँ पे हम लोग आ चुके, देख हम लोग का कार का सिलेक्शन हो गया, देख यही वाली कार से हम लोग करेंगे।
अरे वाह, यहाँ पे तो दीदी है। हाय दीदी, कैसे हो? अरे यार वो सब छोड़, हम लोग को रेस करने जाना है, वो ध्यान में रख। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने रेस पॉइंट में और यहाँ से चालू होने वाला हम लोग का रेस। गाइस अब ना मजा आएगा, देख रहे हो रेस चालू हो चुका है सिंचर। अरे जल्दी चलिए जल्दी चलिए, हम लोग को हारना नहीं जीतना है, तभी तो हम लोग शर्मा अंकल को बचा पाएंगे। अरे यार वो तो मेरे को पता है, हम लोग शर्मा अंकल को बचाएंगे, बट यार यहाँ पे थोड़ी ड्राइविंग करने में मुझे दिक्कत हो रही है। मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ ना इसमें, इसीलिए मैं सबसे पीछे हूँ, मुझे और आगे आना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, आगे बढ़िए फ्रैंकली भैया, चलिए फ्रैंकली भैया को, और आगे चलिए और आगे चलिए। अरे यार सिंचन चुप हो जा, तेरे आगे पीछे चलने की वजह से मेरे को दिक्कत हो रहा चलाने में। देख यहाँ पे कैमरा एंगल भी बहुत ही डिफरेंट है, और भाई सब गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है, पता नहीं क्या हो गया। अरे लइए मैं चला लेता हूँ। अरे यार सिंचन पागल है क्या, ड्राइविंग के बीच में ये सीट एक्सचेंज करेगा ये पागल सिंचन। चलाए दे मेरे को, देख रहा है सिंचन आगे वाले ड्राइवर लोग कितने स्मार्ट है, मतलब यार भागे जा रहे। अबे सुनते हो, रुक जाओ, तुम लोग सब पहली बार खेल रहा हूँ। अरे रुक जाओ फ्रैंकली भैया के लिए रुक जाओ, कुछ पैसे के लिए रुक जाओ, शर्मा अंकल के लिए रुक जाओ। अरे यार इन लोग तो रुक ही नहीं रहे, सिंचन कुछ कर यार। अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, सब लोग सुन लो, पीछे देखो 50 रुपए का नोट गिरा हुआ है। अरे ब्लू वाली गाड़ी, काली वाली गाड़ी पीछे देखो, 50 रुपए का नोट गिरा हुआ है। और यार सिंचर ये लोग तो पीछे 50 रुपए का नोट के लिए रुक गए थे, वाह वाह मजा आ गया। और यार कुछ और हरकत कर जिसके वजह से इन लोग हट जाए। अरे ब्लू वाली गाड़ी हटता है कि नहीं हटता है? अरे सिंचर इसके मुँह में पात दे तो। अरे इधर आओ। अच्छा वो भाग गया तो, वरना इसके मुँह में ही पात देता। अरे यार मजा आ गया सिंचन, देख हम लोग गाइस यार, मतलब कि यार पीछे से हम लोग इतने नंबर वन में आ चुके हैं, मतलब एकदम लास्ट से नंबर वन में आ चुके हैं। देख रहे सिंचन अब तो यार हम लोग जीत के रहेंगे और शर्मा अंकल को बचा के रहेंगे। भाई साहब पता नहीं शर्मा अंकल को हम लोग इसलिए बचा रहे ना क्योंकि उनका पैसा हम ही लोग खर्च किए चोरी करके, बता मत देना सिंचन वरना उल्टा मेरे को मारेंगे। अरे आपके बतौली के चक्कर में ब्लू वाली गाड़ी आगे चली गई। अरे ऐसा है क्या, रुक जाओ उसको बताते हो, बहुत ज्यादा तेजी बन रहा है, उसको एक काम करते हैं रैप्टा देंगे कान के नीचे, जैसे ये रेस खत्म हो जाता तो पागल जैसा कर रहा है। हमको जीतना है कि उसको जीतना है, हमको जितना इंपॉर्टेंट है, गाड़ी लेके आए GTS हॉरिजा में, इसको समझ ही नहीं आ रहा। गाइस जल्दी जल्दी हम लोग को जीतना पड़ेगा, इन लोग समझ ही नहीं रहे। फाइनली हम लोग बस आई गए एंड पॉइंट में, सिंचन क्या लगता है जीतेंगे ना? और नहीं तो क्या, देखो दोस्तों हम लोग जीत गए, यहाँ पे मजा ही आ गया, हम लोग फर्स्ट हो जाएंगे। देखो 1, 2 एंड 3 हम लोग फर्स्ट हो गए दोस्तों। अरे दोस्तों हम लोग देखा, हम लोग रेस जीत गए, सिंचन इतनी ज्यादा गड्डी मिल गई पैसे की। अरे हाँ दोस्तों देखो पैसे की गड्डी, हम लोग कार के ऊपर लाद के जा रहे हैं। अरे हाँ यार बहुत ही मजा आएगा, अब यार जल्दी जल्दी वो भाई क्या है टकले अंकल, पता नहीं कौन से वाइट वाले अंकल, उनको जल्दी जाके ये वाली दे देते हैं भाई नोटों की गड्डी, और वो हमारे शर्मा अंकल को छोड़ देंगे, मजे आ जाएगा। गाइस यार देख रहे हो ये वाली गाड़ी बोलेंगे कि हमें दे देने के लिए, भाई यार ये वाली कार तो बहुत ही कमाल की है, और भाई इतने ज्यादा पैसे भी मिल गए, मतलब सच में मजा ही आ गया आज के दिन। अब यार जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं घर की तरफ। अरे यार भाई साहब यहाँ पे आ गए, भाई अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने शर्मा अंकल को बचाने के लिए, और ये वाली नोटी की गड्डी दे देंगे उसे और शर्मा अंकल को बचा लेंगे वहाँ पे। अरे शर्मा अंकल जी बच गए, आप बच गए, देखिए मैं गाड़ी ले आया, मतलब कि गाड़ी का पैसा ले आया। अरे देखिए जी पैसा ले आया, अब आप बच जाएंगे। अरे वाह फ्रैंकलिन वाह, मतलब कि पड़ोसी कहा तूने बहुत ही अच्छे से निभाया, मजा आ गया, अब मैं बच जाऊंगा। अरे हाँ भाई तू बच जाएगा। चलिए भाई साहब आपका पैसा गाड़ी और सब चीज आ गया, अब तो छोड़ दीजिए। ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार ऐसा हरकत कोई मत करना, तो वरना एक एक को चुन के हड्डी चटका दूंगा। अरे भाई ठीक है यार, जाइए। 15 minutes later. अच्छा वाह फ्रैंकलिन वाह कि तू मुझे रोक दिया, तो वरना मैं उन लोग का हड्डी चटका देता। हाँ भाई हाँ, तू उन लोग का हड्डी सच में चटका देता, बहुत ही अच्छा बात कही। अरे हाँ दोस्तों, मतलब कि हमारे शर्मा अंकल इतने मारते उन लोग को कि उन लोग मार के भाग जाते। अरे हाँ शर्मा अंकल तो बहुत ही पावरफुल है ना, बहुत ही पावरफुल है ना। और ने तो कहा रोज दूध पियाऊं हल्दी वाला, ऐसे थोड़ा ना कसरत किया हूं, हलों में खेते चलाया हूं। अबे ओए पागल, खेतों में हल चलाया होता, हलों में खेतल नहीं चलाया जाता, कहां से यार आया ये पता नहीं। अरे हाँ मतलब कि पता नहीं, लेकिन दोस्तों आज के दिन मजा ही आ गया, मतलब कि हम लोग को इतना मस्त जगह पे रेस करने के लिए मिला। अरे हो यार मजा बहुत ही आया, बट यार मुझे बाल भी अभी कटाने। गाइस यार मैं तो जा रहा हूँ बाल कटाने के लिए, उससे पहले यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हैं और भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखना तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हम लोग नेक्स्ट डे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।